कोई ऐसा काम किया करें जिससे कि इंटरफेरेंस ये जो बेस होता है उसको हम यूटिलाइज कर सकें। घर उतर जाते हैं वहां पे सभी लोग फूल जमीन चढ़ाते हैं, उसका फूल का बाद में क्या होता है, क्या किया जाता है, या तो जल में खड़े होते हैं या फिर जाते हैं बॉटम वाली बॉडी में नदी में तालाब में कहीं डालते जाते हैं, फिर पानी चढ़ता है। सड़क से भी आप देखते हैं बिना कोई हानिकारक की कोई चीज बनती है तो आप उस चीज का इस्तेमाल करें। जैसे कि प्रोसेस है पास के मंदिर से कितने फूल थे इतने घंटे का बैठ और कल बाकी लोगों ने इसमें क्या किया प्रदूषित करते उसकी जगह इसका कुछ उपयोग करें, क्या उपयोग कर सकते हैं, इससे हम क्लीनर बना सकते हैं, जैसे कि भाई वगैरह इसको साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर है तो हम इसको बाहर यूज नहीं करेंगे, टॉयलेट वगैरह किचन में यूज कर सकते हैं, सही जगह साफ जगह पर यूज कर सकते हैं, है ना। पहला प्रोसेस आपने कब कर दिया था, जो ये बकरियां थी सबको रख लिया हमने, दो तीन चीजें तीन चार फूल आए थे, गुलाब के थे, गेंदे के थे और एक और गुलाब वगैरह के थे। तो एक तो ये कि हमने अधिकतर बॉटल में सबको सेपरेट रख के एक ही प्रकार का फूल रखा है ना, और एक दो बॉटल है जिसमें मिक्स करता है और एक जगह से गुलाब रखता है। तो ये आपके ऊपर हम किस तरह की स्मेल वाला कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं मिक्स या फिर किसी पर्टिकुलर फ्लावर का। तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, ये गुड़ दे दीजिए और ईस्ट दे दीजिए, प्रोसेस होता है ये घोल बना लिया इसका साथ में गुड़ लगभग 150 से 200 ग्राम गुड़ दे दिए हमने नाप तोड़ कर दीजिए। तो आपने दो चम्मच से एक लीटर घोल के रख दिया है तो लगभग एक हिसाब से आप 10-15 लोगों की बॉटल के लिए तैयार।